मूवी की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो बहुत ही जख्मी था। वो इंसान अपने फोन में अपनी बीवी की तस्वीर देखता है और वही बहुत इमोशनल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उस इंसान का नाम होता है जॉन विक। और यहाँ से कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं जॉन विक की गर्लफ्रेंड थी हेलेन। वो हेलेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन हेलेन एक दिन बहुत ही बीमार पड़ जाती है। उसे एक भयानक बीमारी थी और धीरे धीरे एक दिन हेलेन की मृत्यु हो जाती है, जिससे जॉन विक पूरी तरीके से टूट गया था। फिर हेलेन को दफन कर दिया जाता है। फ्यूनरल में जॉन विक का अजीज दोस्त मार्कस भी आया हुआ था। मार्कस कहता है, जॉन विक तुम्हें सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करना चाहिए, एक नई जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि जो हो गया तुम उसे बदल नहीं सकते। इसके बाद जॉन विक घर चला आता है। वहाँ उसे एक कोरियर दिया जाता है जिसमें एक बॉक्स था और एक लेटर था। दरअसल इस बॉक्स में एक डॉगी था और ये खत हेलेन ने लिखी थी। जॉन विक खत को पढ़ना स्टार्ट करता है। खत में लिखा हुआ था, हेलेन को पता थी वो मरने वाली थी, इसी कारण से उसने एक कोरियर भेजा। हेलेन अपने खत में कहती है, मैं जानती हूँ जॉन विक, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार की सख्त जरूरत है। तुम इस डॉगी को मेरी आखिरी निशानी समझ के जीना शुरू करो। मेरी पीड़ा अब खत्म हो गई है और तुम खुद को पीड़ा ना दो। तुम एक नई जिंदगी शुरू करो मेरे प्यारे जॉन विक। खत को पढ़ के जॉन विक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जॉन विक इस डॉगी को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ जीना स्टार्ट करता है। जॉन विक डॉगी को हर वक्त खुद के साथ रखता था। जॉन एक दिन अपने सबसे प्यारे मस्टैंग में फ्यूल भरा रहा था, तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें बहुत सारे गैंगस्टर भरे हुए थे। उनमें से एक गैंगस्टर था लोसेफ, जिसे जॉन विक की मस्टैंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो कहता है जॉन विक की गाड़ी उसे खरीदना है, लेकिन जॉन विक कार को बेचना नहीं चाहता था, इसी कारण से लोसेफ जॉन विक को गाली देने लगता है। यह जॉन विक भी उसे गाली देता है। अब लोसेफ जॉन विक को मारने वाला था, तभी लोसेफ का दोस्त उसे रोक देता है। इसके बाद जॉन विक वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन रात का होता है, जहां जॉन विक सो रहा था, तभी जॉन विक का डॉगी अजीब तरीके से चीखने लगता है। वो डॉगी नीचे चला जाता है। जॉन विक उसके पीछे जाता है, तभी जॉन विक को कोई पीछे से मारता है। वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। दरअसल ये लोसेफ और उसके आदमियां आ गए थे और उसे जॉन विक की कार चाहिए थी। वो जॉन विक से कार की चाबी कहां है पूछता है, लेकिन जॉन विक नहीं बताता। यहां कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था, इसी कारण से वो लोग कुत्ते को मार डालते हैं। फिर वो जॉन विक को बहुत ही मारते हैं और उसकी चाबी ढूंढते हैं और कार को चुरा के वहां से भाग जाते हैं। सुबह जब जॉन विक को होश आता है, वो देखता है उसका डॉगी उसके पास में ही मरा पड़ा हुआ है। बहुत ही दुखी होके डॉगी को दफन करता है, लेकिन यहाँ जॉन विक खत से ज्यादा गुस्सा था लोसेफ के ऊपर। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लोसेफ जॉन विक की कार लेके एक गैराज में आता है, जहाँ पुरानी कार बेची जाती है, मतलब चोरी की कार बेची जाती है। और इस शॉप के ओनर का नाम होता है अरिलियो। और अरिलियो जॉन विक की कार देख के डर जाता है, वो कपकपा जाता है। वो कहता है, ये कार मेरी गैराज से जल्दी से बाहर करो। लोसेफ कहता है, क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? अरिलियो पूछता है, क्या तुमने उस इंसान को मार डाला कि नहीं? जोसेफ जवाब देता है, नहीं, हमने तो बस उसके कुत्ते को मार डाला है। ये सुनके अरिलियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लोसेफ को एक पंच मारता है। लोसेफ का दोस्त कहता है, वीगो ये सुनके बहुत ही नाराज होगा, तुमने उसके बेटे के ऊपर हाथ उठाया है। दरअसल वीगो एक बहुत ही बड़ा माफिया है और उनका बेटा होता है लोसेफ। अरिलियो जॉन विक की कार नहीं लेता और उन्हें वहां से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में अरिलियो के पास जॉन विक आता है, क्योंकि जॉन विक जानता था चोरी की कार यहाँ बेचा जाता है और वो अरिलो को जानता है और अरिलो भी उसे बहुत ही अच्छे से जानता है। अरिलो कहता है, तुम्हारी कार वीगो की बेटे ने चुराया है। जॉन विक कहता है, ठीक है, मुझे बस एक मेरी जैसी मस्टैंग चाहिए। अरिलो उसे कार दे देता है। नेक्स्ट सीन में अरिलो के पास वीगो का कॉल आता है। वीगो पूछता है, तुमने मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठाया? अरिलो कहता है, सर उसने जॉन विक की कार चुराई है और उसकी बीबी की आखिरी निशानी जो एक डॉगी थी उसे आपके बेटे ने मार डाला है। और यहाँ जॉन विक का नाम सुन के वीगो का चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत ही डर जाता है। नेक्स्ट सीन में वीगो अपने बेटे को बुलाता है और उसे पीटने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने जॉन विक की कार को चुराया है। लोसेफ कहता है, क्या हुआ डैड, मैंने बस एक आम से इंसान की कार ही तो चुराई है। जानते हो मेरे बेटे, जो इंसानों को मारता है उसे हम कातिल कहते हैं, और ऐसे ही बड़े बड़े कातिलों को मारने के लिए जॉन विक को हायर किया जाता था। जॉन विक एक ऐसा इंसान है जिसने किसी को मारने का कॉन्टेक्ट अगर लिया तो वो मरेगा, ये निश्चित है। और वो इतना बड़ा बेरहम है, वो बस मामूली से पेंसिल
पेंसिल से इंसानों की जान ले सकता है। जॉन विक कभी मेरे लिए काम करता था और एक दिन उसे एक लड़की से प्यार होता है और वो हमारे इस धंधे से जाने का निर्णय लेता है। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना, वो जाना चाहता था। मैंने उसे एक प्रपोजल दिया, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे लिए एक आखिरी काम करना होगा, और सच में वो काम इम्पॉसिबल था, लेकिन जॉन विक वो काम कर दिखाया और उसने जो काम किया उसकी वजह से ही आज मैं इतना बड़ा माफिया हूँ। यह साम्राज्य मैंने जॉन विक के दम पे कमाया है। फिर जॉन विक हमें छोड़ के चला जाता है और वो एक नई जिंदगी शुरू करता है। फिर उसकी बीबी मरती है और उसकी बीबी की आखिरी निशानी जो वो डॉग थी, तुमने उस डॉग को मार डाला और बेटा तुम्हें तो बचाना नामुमकिन सा है क्योंकि जॉन विक तुम्हें मारने जरूर आएगा। लेकिन विगो लोसेप का पिता था और कैसे एक बाप अपने बेटे को मौत के करीब देख चुप रह सकता था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जॉन विक अपने फर्श को तोड़ रहा था हथौड़े से, और फर्श को तोड़ के वो वहाँ से एक बड़ा सा बॉक्स निकालता है जिसके अंदर बहुत सारे गन थे और अनगिनत गोलियां थे। तभी जॉन विक को विगो का कॉल आता है। विगो कहता है, जॉन विक मेरे बेटे से गलती हुई है, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, तुम उसे माफ कर दो और कोई दुश्मनी ना शुरू करो। लेकिन जॉन विक एक शब्द भी नहीं बोलता और फोन को काट देता है। विगो समझ जाता है जॉन विक नहीं मानेगा, वो लोसेप की जान लेके ही मानेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन विक के घर में विगो बहुत सारे कातिलों को भेजता है, और वो कातिल जैसे ही घर के अंदर एंटर होते हैं, जॉन विक रेडी बैठा हुआ था। वो अपना गन निकालता है और बड़ी ही स्टाइल और बेरहमी से सभी कातिलों को मारने लगता है। जब वो सभी कातिलों को मार डालता है तभी वो एक जगह फोन करता है और कहता है काम हो गया है। और इसके बाद वहाँ कुछ आदमियां आते हैं जो जॉन विक के दोस्त थे, वो लोग लाशों को पैकिंग करते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। बदले में जॉन विक उन्हें कुछ सोने के कॉइन देता है। जब विगो को ये पता चलती है जॉन विक ने उसके सारे कातिलों को मार डाला है तो विगो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो डरा हुआ जॉन विक के अजीज दोस्त मार्कस के पास जाता और कहता है, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, तुम जॉन विक को बहुत ही अच्छे से जानते हो, तुम मेरे लिए उसे जान से मार डालो। यहाँ मार्कस कहता है, दोस्ती गई तेल लेने, पैसे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए राजी हूँ। वो जॉन विक की सुपारी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन विक एक होटल में जाता है जिस होटल का नाम कॉन्टिनेंटल होता है, और ये होटल आम सा होटल नहीं है क्योंकि यहाँ बड़े से बड़े गैंगस्टर को पनाह दी जाती है। दरअसल ये होटल माफियाज के लिए बनाया गया है, यहाँ सारे माफियाज रह सकते हैं, लेकिन इस होटल का रूल्स है, यहाँ कोई भी खून का कतरा नहीं गिर सकता और यहाँ कोई भी मार धार अलाउ नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो कितने भी बड़ा माफिया हो, इस होटल के ओनर लोग उन्हें मार डालते हैं, और इसी कारण से ही जॉन विक यहाँ आया है ताकि वो यहाँ पनाह ले सके और बड़ी ही आसानी से लोसेप को मार सके। इस होटल में हम बड़े से बड़े माफिया को देखते हैं जो यहाँ रह रहे थे। यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मिस पर्किंस होती है, और मिस पर्किंस जो एक गैंगस्टर थी वो जॉन विक को घूरे जा रही थी। इसके बाद जॉन विक इस होटल के ओनर विंस्टन से मिलता है। विंस्टन जॉन विक को देख बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि बड़े दिनों बाद जॉन विक इस होटल में आया था। वो जॉन विक से पूछता है, क्या तुम फिर से बिजनेस में लौट आए हो? जॉन विक कहता है, नहीं, ये मेरा पर्सनल मामला है, और उन्हें सारी बात बताता है। इसके बाद जॉन विक विंस्टन से लोसेप का पता पूछता है। विंस्टन कहता है, लोसेप को एक बार में छुपाया गया है। इसके बाद जॉन विक रेडी होता है और पहुंच जाता है उस बार में, लेकिन उसे पता नहीं था लोसेप उस बार के कौन से हिस्से में है। वो लोसेप के दोस्त का पीछा लेता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है और पूछता है लोसेप कहाँ है। बहुत मार खाने के बाद वो आखिर बता ही देता है लोसेप कौन से हिस्से में है। अब जॉन लोसेप के दोस्त को मार डालता है और वो चला जाता है लोसेप को मारने। बीच में लोसेप के बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं, लेकिन जॉन विक उनकी कोई भी परवाह ना करते हुए बेरहमी से उन्हें जान से मारने लगता है, और वो लोसेप के पास तक पहुंच जाता है, लेकिन गार्ड बीच में आ जा रहे थे, इसी कारण से जॉन विक उन्हें मारने व्यस्त हो जाता है और लोसेप वहां से भागने लगता है। जॉन विक उसके ऊपर गोली चलाता है लेकिन वो बच जाता है। यह जॉन विक और बॉडीगार्ड की लड़ाई में जॉन विक घायल हो जाता है, उसे गोली लग जाती है। जॉन घायल था और वो ठीक से उठ नहीं पा रहा था, और यही मौका पाके लोसेप वहां से भाग जाता है। फिर जॉन विक घायल हालत में कॉन्टिनेंटल होटल में आता है। फिर जॉन विक सोने जाता है, तभी हम देखते हैं मार्कस उसके ऊपर स्नाइपर ताना हुआ है और वो उसे मारने वाला है। तभी हम देखते हैं जॉन विक के रूम में मिस पार्किंस घुस आई है, और जब मार्कस ये देखता है जॉन विक को चौकन्ना करने के लिए उसके पास में गोली मारता है और वो चौकन्ना हो जाता है। पर्किंस जॉन विक पे हमला करती है लेकिन जॉन विक उसे मारने लगता है। यह पर्किंस विगो के लिए काम करती थी और
विको ने जॉन विक को मारने के लिए पर्किंस को भेजा है, लेकिन जॉन विक पर्किंस को पकड़ लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है। जॉन पर्किंस को पकड़ लेता है और उस पे गन पॉइंट करके कहता है, मुझे बताओ लोसेप कहाँ मिलेगा। पर्किंस कहती है, मैं नहीं जानती और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन जॉन विक कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है और तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम मुझे ऐसा कुछ बताओ जो मुझे नहीं पता, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह पर्किंस अपनी जान बचाने के लिए कहती है, विको अपना सारा पैसा एक चर्च में इकट्ठा करके रखता है, इसलिए जॉन विक उसे नहीं मारता और पर्किंस को अपने दोस्त के पास कैद करके रखता है। नेक्स्ट सीन में जॉन विक चला जाता है उस चर्च में और वहाँ अफरी तफरी मचा देता है। वो वहाँ सबको मारने लगता है और फिर वहाँ विको के सारे पैसे को जला देता है, क्योंकि जॉन विक को पता था अगर वो उसके सारे पैसे को जला देगा तो विको जहाँ भी होगा यहाँ खींचे चला आएगा। और सच में ऐसा होता भी है। विको यहाँ अपने आदमियों के साथ आ जाता है और विको को देख के जॉन विक उसके ऊपर अंधाधुन गोली चलाने लगता है। वो उसके गार्डों को मारने लगता है, लेकिन एक बॉडीगार्ड जॉन विक को एक कार से टक्कर मारता है जिससे जॉन विक बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जॉन विक जिस इंसान के पास पर्किंस को कैद करके रखा था, पर्किंस अपना उंगली तोड़ देती है और अपने हाथ को छुड़ा लेती है और उस इंसान पे हमला कर देती है और उसे जान से मार डालती है। और ये काम उसने कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर किया था, जिसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद दिखाया जाता है जॉन विक को होश आता है तो विगो ने उसे अपने अड्डे में बांध के रखा था। विगो उसके ऊपर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुमने मेरे पैसे जलाए इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें बहुत ही कीमती कागजात थे जिससे मैं बड़े बड़े इंसानों को ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे हड़पता था। विगो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तुम सब कुछ भूल जाओगे तो तुम बोलो तुम मेरे बेटे से बदला ना लोगे, तुम उसे जाने दोगे। लेकिन जॉन विक कहता है, मैं उसे नहीं भूल सकता और मैं उसे मार के ही रहूंगा। विगो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें यार, हम एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हें कुत्ते की वजह से इतना भावुक क्यों हो रहे हो। लेकिन जॉन विक कहता है, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। तुम जानते हो विगो, जब मेरी बीबी मरी थी मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, मुझे बस मौत चाहिए थी। लेकिन जब मुझे पता चला ये डॉग ही मेरी बीबी की आखिरी निशानी है तो मुझे जीने की एक आस मिली। मुझे ऐसा लगता था मेरी बीबी मेरे पास ही है, मैं खुश रहता था उसके साथ, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरी वो खुशी छीन ली है और मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा। यह विगो समझ जाता है जॉन विक ऐसे नहीं मानेगा। वो अपने लोगों से कहता है इसे मार डालने के लिए। फिर विगो वहां से चला जा रहा था और विगो के लोग जॉन विक को मारने वाले थे। तभी हम देखते हैं मार्कस जो जॉन विक को मारने का सुपारी लिया था वो जॉन विक को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो विगो के सारे आदमियों को मार डालता है। फिर जॉन विक वहां से गन लेके भागते हुए बाहर आता है और विगो के आदमियों को मार डालता है। और विगो को मारने वाला था वो पूछता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब यहाँ विगो डर के मारे कहता है, मेरा बेटा एक सेफ हाउस में है। यहाँ विगो ये सोचता है, मेरा बेटा अगर सेफ हाउस में है और उसकी निगरानी बहुत सारे गार्ड कर रहे हैं तो जॉन विक उसे मार नहीं पाएगा। लेकिन शायद विगो भूल गया था ये जॉन विक है। और जॉन विक वहाँ पहुंच जाता है और वहाँ के सारे गार्ड्स को एक एक कर बेहरे में से मार डालता है। और फिर वो लोसेप को पकड़ता है, उस पे गन पॉइंट करता है और उसे भी जान से मार डालता है। और ऐसे ही उसका बदला पूरा होता है। और जब विगो को ये पता चला उसका बेटा मर चुका है तो विगो की जिंदगी में जिंदा रहने का कोई भी मकसद नहीं रहा, इसके अलावा कि वो जॉन विक को जान से मार डाले। वो अपने अंदर हिंसा भर चुका था। यह जॉन विक का काम हो गया था, इसी कारण से जॉन विक कॉन्टिनेंटल होटल से चेकआउट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन विक और मार्कस बातें कर रहे थे और यहाँ मार्कस जॉन विक से पहले से ही मिला हुआ था और जॉन विक ये जानता था विगो ने उसकी सुपारी मार्कस को दी है। और जब ये दोनों बातें कर रहे थे इन्हें मिस पार्किंस देख लेती है और वो इस बात को विगो को बता देती है। फिर जब मार्कस घर जा रहा था उसे विगो के आदमी घेर लेते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से और बुरी तरीके से पीटा जाता है और फिर उसे जान से मार डाला जाता है। अब विगो यहाँ जॉन विक को फोन करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे अजीज दोस्त को मार डाला है क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया है और उसने मार्कस की लाश को मार्कस के घर में छोड़ा है। यहाँ जॉन विक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मार्कस के घर में जाके देखता है, वहाँ मार्कस की लाश है। नेक्स्ट सीन में मिस पार्किंस घर जा रही थी तभी उसे कॉन्टिनेंटल के आदमी घेर लेते हैं और उसे जान से मार डालते हैं क्योंकि उसने कॉन्टिनेंटल के अंदर जॉन विक के दोस्त को मारा था। फिर पर्किंस की लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। यह विंस्टन जॉन विक को फोन करता है और कहता है, तुम्हारा दोस्त विगो इस शहर से जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है, तुम जल्दी से जाओ और उसे पकड़ लो और अपने दोस्त
दोस्त मार्कस की मौत का बदला ले लो। और यहाँ जॉन जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और वीगो को रोक लेता है। वो उसके सारे आदमियों को बड़ी ही स्टाइल से मार डालता है। फिर वीगो जॉन को चुनौती देता है हैंड टू हैंड फाइट करने का। जॉन विक उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट करता है और उसे चाकू से बड़े ही बहेड़े में से मार डालता है। फिर जॉन जाने लगता है और यही से ये मूवी शुरू हुई थी। फिर जॉन एक डॉगी के दुकान में जाता है जहाँ थोड़े से दवाई से खुद की इलाज कर रहा था। और यहाँ एक डॉगी जॉन को बड़े ही प्यार से घूर रहा था। जॉन को वो डॉगी पसंद आ जाता है और वो उस डॉगी को लिए यहाँ से जाने लगता है। और यही पे ये मूवी एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।